भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय सुमित्रा महाजन जी महिलाओं के मर्द निकली हैं, बाकी के तो भाजपा में मेरी निगाह में कोई मर्द बचा ही नहीं है। कि सुमित्रा महाजन जी जिस ग्लास में पानी पीती हूं उनका झूठा भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोग भी एक एक घूंट पानी पिएंगे तो अच्छा होगा। बीजेपी में कोई मर्द बचा ही नहीं। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस जिस ग्लास में सुमित्रा महाजन पानी पीती हैं, उस ग्लास का एक एक घूंट जूठा पानी भाजपाई पिएंगे तो अच्छा होगा। अब आप जरा ये बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय सुमित्रा महाजन जी महिलाओं के मर्द निकली हैं, बाकी के तो भाजपा में मेरी निगाह में कोई मर्द बचा ही नहीं है। कि सुमित्रा महाजन जी जिस ग्लास में पानी पीती हूँ उनका झूठा भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोग भी एक एक घूंट पानी पिएंगे तो अच्छा होगा। सुनकर कुछ अटपटा सा लग रहा होगा, ये बयान है कांग्रेस नेता के मिश्रा का। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की थी, जिसको लेकर राज्य में सियासत तेज हो गई। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख के मिश्रा बुरहानपुर पहुंचे, जहां वो बीजेपी पर तंज कसते हुए नजर आए और पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन को महिलाओं का मर्द बताया। दरअसल के मिश्रा मीडिया से बातचीत के दौरान कहते हैं कि बीजेपी में कोई मर्द बचा ही नहीं और पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन महिलाओं की मर्द हैं। के मिश्रा आगे कहते हैं, सुमित्रा महाजन ने जिस ढंग से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सराहना की है, मैं कांग्रेस की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सुमित्रा महाजन जिस ग्लास में पानी पीती है उस ग्लास का जूठा पानी बीजेपी के लोग पिए, जिससे उन्हें भी अकल आएगी। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय सुमित्रा महाजन जी महिलाओं के मर्द निकली हैं, बाकी के तो भाजपा में मेरी निगाह में कोई मर्द बचा ही नहीं है। उन्होंने जिस ढंग से राहुल गांधी जी की यात्रा के उद्देश्य की सराहना की है, मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करूंगा और उम्मीद करूंगा कि सुमित्रा महाजन जी जिस ग्लास में पानी पीती हूं उनका झूठा भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोग भी एक एक घूंट पानी पिएंगे तो अच्छा होगा, उनमें भी अकल आएगी। देश को तरक्की की उम्मीद रखने वाला, देश को खुशहाल देखने वाला, देश में अमन चैन का प्रतिबद्ध हर व्यक्ति राहुल गांधी जी की यात्रा के साथ है, चाहे वो लेफ्टिस्ट हों, समाजवादी हों, BSP हों या अन्य राजनीतिक दल हों। आप देखिएगा योगेश यादव जी 2 दिन से भोपाल में अपना समर्थन दे रहे हैं जनवादी संगठनों की ओर से, तो हर समझदार व्यक्ति इस यात्रा को अपनी शुभकामनाएं दे रहा है, उसमें शिरकत करेगा, सिर्फ संघियों और भाजपाइयों को छोड़कर। आपको बता दें, बुरहानपुर जिले के करौली गांव के रास्ते 20 नवंबर की शाम लगभग 7 बजे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में एंट्री लेगी। इसको लेकर बीजेपी भी मुखर होकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो वहीं कांग्रेस भी यात्रा को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करना चाहती है और राहुल गांधी खुद आदिवासी और दलित वोटर से जुड़कर अपने खेमे में उतारना चाहते हैं। माना जा रहा है कि इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी।